हेलो गाइस, एक्टिव ने एग्जामिनेशन 2022-23 को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी की। अभी अभी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सर्कुलर जारी किया एक्टिव ने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सभी छात्रों के एग्जाम्स को लेकर और सभी कॉलेजों को एक्टिव ने बहुत सख्त ही निर्देश दिए। अगर आप भी एग्ज़ाम में नकल को लेकर सोच रहे हैं तो एक्टिव सख्त हो गया। सीसीटीवी और वाईफाई से आपकी जो कक्षाएं होंगी लैस रहेंगी। उसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर को लेकर, एग्ज़ाम्स कराने को लेकर क्या पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कॉलेजों को भी आदेश दिया है, तो क्या पूरी आदेश इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या पूरी अपडेट्स के अलावा छात्रों को जो डाउट है कहीं एग्जाम को लेकर, सर कब एग्जाम्स होगा, इस वीडियो में भी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस, इसमें क्या मेंशन है कि उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि जो एग्ज़ाम्स आपका एगेटिव के रेगुलर तथा कैरियर वाइज छात्रों के 22-23 के और सेमेस्टर एग्जामिनेशन होने वाले हैं, स्नातक तथा परास्नातक के कैरी ओवर और रेगुलर विषयों की प्रथम चरण की। जी हाँ, ये जो एग्ज़ाम्स होगा ये फर्स्ट स्टेज का होगा, सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम भी उसके बाद में होगा। और फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम कब होगा, यहाँ पे देखिए मेंशन है 4 जनवरी 2022। आपको पता ही होगा, मैंने वीडियो में बताया भी था, 4 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के मध्य होगा। इस संबंध में सूचित करना है कि विश्वविद्यालय से संबद्ध जो सारे कॉलेजेस हैं उसमें प्रथम बार यानी जो पहली बार अपने संस्थान को परीक्षा केंद्र बनाना चाहते हैं वो संस्थान निम्न बिंदुओं को अवलोकन करने का शिकार। यानी अगर एकेटीयू का एग्ज़ाम सेंटर आप बनेगा तो कौन कौन सी वहाँ पर सुविधा होनी चाहिए, सीसीटीवी और कैमरा और सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो इसलिए आप वीडियो पूरा देखें, उसके बाद मैं बताऊँगा कि जो कैरियर एग्ज़ाम्स का जो डेट शीट है वो कब से होगा। तो इम्पॉर्टेंट है, वीडियो पूरा वॉच कर लें। सभी कॉलेजों को लेकर भी इम्पॉर्टेंट है, छात्रों को लेकर भी इम्पॉर्टेंट। अगर आप नकल करने को सोच रहे हैं तो फिर आपका यूएफएम लगना भी तय है, क्योंकि इसमें क्या बताया कि ने कि न्यूनतम नंबर एक क्या पॉइंट है कि न्यूनतम न्यूनतम जो है 300 छात्र जो है न्यूनतम कम से कम यानी 300 छात्रों की व्यवस्था होनी चाहिए और संस्थान में कम से कम 10 कक्ष यानी कि 10 कमरे होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2 की प्रत्येक कक्षे में IP-based CCTV, जी हाँ IP-based CCTV कैमरा और हाई स्पीड की डेडिकेटेड इंटरनेट की व्यवस्था अनिवार्य होगी। कहने का मतलब कि CCTV वो भी IP-based, उसके अलावा जो वाईफाई आपका है, इंटरनेट है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए यानी हाई स्पीड होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, सभी कक्षों के IP-based CCTV कैमरा फीड को विश्वविद्यालय में परीक्षा के समय लाइव भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 की परीक्षा हेतु स्थापित संस्थान के कंट्रोल रूम में हाई स्पीड की फास्ट प्रिंटर की भी व्यवस्था, यानी अगर जैसे पेपर आता है ना तो उसका PDF वगैरह बना के जो आता है तो उसका क्या करना है, उसका प्रिंट आउट निकाल के बच्चों को टाइम से जो है दिया जा सके। पॉइंट नंबर 5 है कि संस्था में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि जो गाड़ी वगैरह की सुविधा होनी चाहिए, मेडिकल फर्स्ट एड वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होना अनिवार्य है, हालांकि मैक्सिमम कॉलेजों में ऐसा होता नहीं है। पॉइंट नंबर 6 है कि परीक्षा, और आप लोग कमेंट करना कि आपके यहाँ पे गाड़ी वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं आने जाने के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 है कि परीक्षा के दौरान विद्युत सप्लाई यानी लाइट होनी चाहिए, हालांकि ये भी होता नहीं है, मैंने देखा है गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता तो प्राइवेट में क्या होगा। पॉइंट नंबर 7 में कि आपकी संस्था के आसपास कितनी संस्थाएं हैं, उनकी दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या, उसमें लगभग कितने छात्र हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया है। आगे उन्होंने मेंशन किया कि संस्था में एक स्टोर रूम भी होना चाहिए जो कि जहाँ पे जो है कैमरा क्या करें लाइव देखा जा सके, ठीक है, जहाँ से सारे जो है क्लासेस को सारे बच्चों को। आगे उन्होंने क्या मेंशन किया लास्ट में कि संस्था में एक स्टोर रूम की व्यवस्था होनी चाहिए और आगे आपसे अनुरोध कि हमें संस्था के, अब यहाँ पे इन्होंने कॉलेजों को क्या निर्देश दिया कि अगर आप लोग अपने कॉलेज को जो है एग्जामिनेशन सेंटर बनाना चाहते हो तो 18 जनवरी 2022 तक AKTU को मेल करना है DCOE@AKTU.ac.in पर क्या करना है, मेल करना है। अगर आपके सारे ये पॉइंट पाए जाते हैं जो उपरोक्त बताए गए हैं यानी सारे पॉइंट अगर आप जो है पूरा कर लेते हैं तो आप एग्जाम सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 जनवरी 2022 लास्ट डेट है। अब यहाँ पे 18 जनवरी उन्होंने दिया है तो उससे साबित ये होता है कि AKTU की एग्जामिनेशन जो डेट है वो एक्सटेंड तो होगी, लेकिन ये इसलिए दिया 18 जनवरी क्योंकि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम बाद में होगा, तो हो सकता है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लिए अभी हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगर जो कॉलेज बाद में अप्लाई करेंगे उनको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टेज वाले के छात्रों को क्या किया जाएगा, वहाँ पर बैठाया जाएगा। बहरहाल ये थे कॉलेजों को लेकर, अब छात्रों को क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि IP-based CCTV होगा, तो IP-based CCTV अगर होता है तो आप वहाँ पे अगर नकल वगैरह करते हैं तो फिर समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बहुत सख्ती होगी, क्योंकि अगर कोई कंट्रोल रूम में बैठ के आपको देख रहा है लेकिन आप उसको नहीं देख सकते कंट्रोल रूम में आपको टीचर बैठ के देख रहे होंगे, आपके जो डायरेक्टर हैं चोटी हैं आप वहाँ से देख रहे हैं, अगर आप ज़रा भी इधर उधर अगर, हालांकि मुझे पता है कि ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर AKTU ने अनिवार्यता कर दी, अगर ऐसा हो गया तो फिर आप जो है नकल और चीटिंग के करना भूल जाइए, क्योंकि मैं आपको कभी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि देखो मैं एक स्टूडेंट के रूप में या फिर आपको जो है गाइडर के रूप में या जो भी आप समझ सकते हैं उस हिसाब से भी अगर बताऊँगा कभी भी मैं कहूँगा आप चीटिंग ना करिए,
मैं आज तक मैंने कभी चीटिंग के भरोसा नहीं किया, चाहे भले अगर मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ एग्ज़ाम में, तब भी मुझे चीटिंग नहीं करनी है, ये आपको मान के चलिए। क्योंकि आपके पास इतना जो माइंड है ना, मैं सच कह रहा हूँ 100% श्योर हूँ, अगर आपके पास जो दिमाग अगर आप उसका यूज़ करते हैं, तो आप कुछ नहीं तो कम से कम एग्ज़ाम में 30 नंबर तो पासिंग मार्क्स लिख के आ ही सकते हो, अगर आप अच्छे से यूज़ करते हो अपने दिमाग का। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम से पहले एक दिन भी पढ़ लेते हो, 2 घंटा भी अगर पढ़ लेते हो, तो भी आप पास हो जाओगे, बैक नहीं लगेगी। लेकिन आपका दिमाग का यूज़ करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे कापी लिखनी है, इसमें वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। लेकिन अगर आप लोग कहोगे कि हाउ टू प्रिपरेशन एक्टिव एग्जाम्स और हाउ टू राइट एक्टिव एग्जाम कापी, या फिर हाउ टू गेट गुड मार्क्स एक्टिव एग्जाम से, अगर आप इस तरीके से इस टाइप की वीडियो अगर आप चाहते तो कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा। फिर मैं एक बार कहूँगा कि आप बिल्कुल नकल मत करना, क्योंकि IPS CCTV रहेगी, वहाँ से आपके कॉलेज को एक रूम बनाया जाएगा जहाँ से मॉनिटर करेंगे, सभी लोग देखेंगे, भले आपकी क्लास के जो टीचर वो आपको ना देखे, लेकिन आपका जो स्टोर रूम है वहाँ से आपको देख रहे होंगे टीचर, तो आपको वहाँ से आएंगे या वहाँ से वो कॉल करेंगे, फ़ोन करेंगे, भेजेंगे, जो भी आपको आगे चीटिंग फीटिंग अगर चीट फिट है तो पकड़ लेंगे। इसलिए UFM से बचना चाहते हो चीटिंग मत करना, क्योंकि कई फिर छात्रों का भविष्य खराब हो जाता है, 1 साल का आपका भविष्य खराब हो जाएगा, आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, आपके जो दूसरे सब्जेक्ट में उसमें पास हो तो उसमें भी 0 कर दिया जाएगा। अब आप लोग कह रहे हो सर आप डरा रहे हो, डरा नहीं रहो, ये रियल हकीकत है। क्योंकि जो बच्चों की UFM लगी, अभी तक मेरे पास उनके कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, अब बताइए परेशान है, तो उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं ना ऑफिशियल हो जाती है, वो ऑनलाइन सारी चीज़ें रजिस्टर्ड हो जाती है, आपकी कॉपी पर रेड पेन चला दिया जाता है। तो इसलिए प्लीज़ करके आप बिल्कुल चीटिंग मत करना। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप इतने स्मार्ट हो तो आप कर सकते हो, बट मैं यही कहूँगा कि मत करिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी, अब बात कर लेते हैं जो छात्रों के डाउट्स हैं। ने क्या पूछे हैं, उषा चौधरी की, पूछ रहे हैं कि सर सेकंड ईयर फोर्थ ईयर की कैरी वर्क का पेपर कब होगा बी फार्मा का। नेक्स्ट स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर इसमें फोर्थ सेमेस्टर बी फार्मा का सीओपी डेट नहीं है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट है सूरज, 7th सेमेस्टर फार्मेसी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस का पेपर 18 को है 19 को 19। तो यार देखो, गैप नहीं, एक दिन का गैप है, तो ये अभी जो डेट शीट है फाइनल नहीं है, इसमें अभी चेंज होगा, अभी जो डेट शीट है वो दोबारा फाइनल शेड्यूल जारी हो गए, तो अभी टेंटेटिव है, बट एक दिन का गैप है, तो एक दिन का गैप अब इसको आप चेंज तो नहीं करा सकते, लेकिन अगर हो सकता है अभी चेंज हो जाए, क्योंकि अभी ये टेंटेटिव, अभी टेम्परेरी है, फाइनल जो परमानेंट जो शेड्यूल जारी होगा अभी जारी होगा, अभी जारी नहीं हुआ, तो वेट कर लीजिए। 4 जनवरी को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, लेकिन उससे पहले अभी एक आध हफ्ते में, यानी कि मान लीजिए चलिए 25-26 दिसंबर के आसपास में आपको कोई न्यू शेड्यूल जारी होगा, जिसमें बताया जाएगा, तो आप देख लेना कि आपका जो गैप है कि नहीं गैप है, आई होप गैप हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है तो आप मेल कर देना, जो मैंने मेल आईडी बताई है DCOE वाली, उसी पर आप मेल कर देना कि सर मेरा पेपर, मुझे गैप चाहिए, हो सकता है कि ट्यू आपकी सुन लें और आपका 18 के बजाय एक दिन का गैप दे दे, ठीक है। तो बहरहाल ये थी अपडेट, और जो आप लोग पूछे हैं कि इसमें सर फोर्थ सेमेस्टर बी फार्मा का COP डेट नहीं है, तो देखिए मैं एक बार बता दूँ, इसमें जो आपका कैरियर पेपर होता है वो रेगुलर के साथ होता है, ठीक है। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा, आप लोग उसको देख लेना, अभी आज ट्राई करूँगा मैं शाम तक में, अभी 1 आध घंटे में, तो आप लोग उसको देख लेना, 1 आध घंटे कम से कम लग ही जाएंगे। लेकिन फिर मैं बता दूँ, अगर आपका बीटेक या बीफार्मा MBA है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर आपकी बैक है, तो आप फॉर्म तो भर सकते हैं अभी, लेकिन एग्जाम आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ही के साथ होगा, फॉर्म थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के साथ भर सकते हैं, अभी जो फॉर्म ओपन है आप भर सकते हैं, लेकिन एग्जाम आपका बाद में होगा, तो इसलिए उसको लेकर मैं अच्छे से एक वीडियो में समझा दूँगा, उसको परेशान ना होइए, पेमेंट को लेकर और कैरियर को लेकर, और जो डाउट होंगे आप कमेंट करना, उस पर भी मैं कवर कर लूँगा। तो आप कमेंट करना, जो भी आपके डाउट्स हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके जो डाउट्स हैं उसको जरूर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, अगर आपको लगा कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कुछ अच्छी वीडियो, तो लाइक ज़रूर करना, लाइक फिर कह रहा हूँ, कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना, कोई डाउट हो कमेंट ज़रूर करें।